एक बात है, दिमाग में गाड़ बांध ले, चाहे मंदिर में माथा टेक के शादी की हो या गुरुद्वार में मत्था टेक के, मैं नहीं मानता शादी। मैं भी नहीं। रणबीर, तूने की ऐसे शादी, लेकिन हम नहीं मानते शादी। ए, मैं मानता हूँ शादी हो गई है मेरी, कोई समझता ही नहीं है यार। और मम्मी आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार, घर में मेरी एक लड़की से शादी हो सकती है। अरे मम्मी, जो मेरे राइट में है वो राइट है, राइट है, राइट राइट है। तेरी आँख में कुछ कुछ कह रहा है क्या? मतलब बात करते करते ऐसे फड़क रही है। पल्लो, जब मुसीबत आती है ना तो इसी तरह आंख फड़कती है। अरे रुको सब के सब, ये शादी तुम लोगों ने मान ली, कोई हमने नहीं। रणबीर की शादी सिर्फ माया से ही हो सकती है और किसी से नहीं। दिस इज फाइनल। रणबीर की शादी हो चुकी है। अब आंखों से आंखें मिलाकर बात कर, ये घूंघट हटा। नहीं, मैं घूंघट नहीं उतार सकती। क्यों नहीं उठा सकती? ये बहुत खूबसूरत। जाने भी दीजिए ना, नई नवेली दुल्हन है, गांव से आई है, शर्मा रही होगी सबके सामने घूंघट खोलने में। उसकी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। घर जाके मुंह दिखाई कर लेंगे ना, उसके बाद आप मुंह देख लेना, ठीक है? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, घर जाएगी, मुंह दिखाई करेगी, फिर हम फोटो भेज देंगे आपके लिए। बहन जी, अभी बहन जी, अगर आप औरत है तो दूसरी औरत की गरिमा को समझिए। कैसे एक पुत्र वधू उनके ससुर के सामने अपना घूंघट माया से ही होगी? अब सबके सामने जबरदस्ती करेंगे? आप एक शादीशुदा लड़की के सामने उसी के पति की दूसरी शादी के बारे में बात करते, आपको शर्म नहीं आती? ये दूसरी शादी गैर कानूनी होगी, आप कानून के लपेटे में आएंगे। आप जानती भी हैं मैं कौन हूँ? जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने इस लड़की का हक छीना तो सोच लीजिए आपकी बेटी माया के साथ भी बहुत बुरा होगा। ना 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 आंटी, ऐसा मत बोलिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माया का या किसी भी छोकरी का कुछ बुरा हो, है ना? मैं रणबीर से और रणबीर मेरे से, रणबीर का, रणबीर इधर आओ। देखो डरता है पति, है ना? तो मैं क्या कह रही थी कि रणबीर मेरे से और मैं रणबीर से प्रेम करते हैं। पतुआ से डर रहे? मैं तेरे पापा को समझाने की कोशिश करूंगी कि वो ये शादी कैंसिल कर दें। तुम्हें लगा तुम बोलोगी और मैं मान जाऊंगा? अब बात इज्जत पे बनाई है और जो भी मर जाएगा पर इज्जत पर दाग नहीं आने देगा। माया बेटा, अब घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में, और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये शादी होकर रहेगी। लेकिन सुनिए, सब डर गए पर ये आदमी नहीं डरता। पै गया स्यापा। पर वो चौपे जी वो तो अपनी इज्जत पे अड़े हुए थे, कह रहे थे कि ये शादी होके रहेगी। हाय हाय, अब क्या होगा? अरे वो इस ड्रामे का उस चौपे पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो यार, आप लोगों को सर ने नीचे बुलाया, बात करनी आप लोग से। पार्टी वाले हॉल के बाजू में वेंकट हॉल में आ जाइए आप लोग। चलो आइए आइए आइए, प्लीज। देखिए, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अगर मैं रणबीर की शादी अपनी बेटी से करवा देता हूँ तो क्या होगा? ये शादी मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। रणबीर ने मेरी बेटी माया से खुद प्यार का इजहार किया, सबने देखा वहाँ। देखो बेटा, अगर रणबीर तुम्हारे साथ रहेगा और माया से प्यार करेगा, ऐसे में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। तीन तीन जिंदगियां बर्बाद करके किसी को क्या मिलेगा? इसलिए रणबीर और माया की सगाई हो जाने दीजिए। इस गोरी का ख्याल रखूंगा ना मैं, है? इसकी शादी भी करवाऊंगा, आप कहें तो अभी करवा देता हूँ। एक लड़का है मेरे पास, मेरे भाई का बेटा। मोनू, अरे इधर आ, इधर आ भाई। जीता उसने, ये लड़की पसंद है तुझे? जैसा आप कहो दाऊजी। देखा, इतना आज्ञाकारी है। पंडित जी, शादी के मंत्र शुरू कीजिए। जी जी जी। बोलो,
तुम ना मेरा मुंह मत खुलवाओ माया। नहीं नहीं बोलो ना, क्या किया है, चुप क्यों? मुझे कुछ नहीं बात करनी तुमसे, ना मुझे कुछ सुनना है, मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं जाओगे इसके साथ, वो भी इस गवाह लड़की के साथ, तो बिल्कुल नहीं। मैं तो आज इस लड़की को देख कर रहूंगी। माया 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 लेकिन नहीं, आप इससे ये सब नहीं पूछेंगे क्योंकि आप तो खुद ही इससे मिले हुए हैं। आप लोग चाहते ही नहीं कि मेरी बेटी और रणबीर की शादी हो। आप जानते हैं ना कि कोई नहीं चाहता ये शादी हो, ये सगाई हो, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? अभी अभी आप ही ने कहा कि जबरदस्ती वाले रिश्ते से जिंदगियां खराब होती है, आपको तो पता है, तो क्यों कर रहे हैं ये सब? और जहां तक उस प्रपोजल की बात है, रणबीर उस दिन प्रपोज नहीं कर रहा था। बस बेटा, अब तुम चुप रहो। मेरी बेटी की फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वरना जो तुमने किया उसके लिए मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन मैं चुप हूँ, तुम भी चुप रहो और जाओ यहाँ से। माफ किया तुम्हें। क्या गले में? क्या शुभ मुहूर्त में सगाई हुई? आज सगाई और कल होली, तो इस बार तो होली का जश्न दुगना होगा। भाई आप सब लोग हमारे यहाँ कल होली पर इन्वाइटेड हैं, सब लोग आइए। और संधी जी, टाइम से पहुँच जाइएगा, कहीं मुझे जबरदस्ती है आपको ना बुलाना पड़े। ठीक है मैम, थैंक यू। भाई आपको लग रहा होगा यहाँ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आई विश मैं बता पाती कि रिया के लिए ये एंगेजमेंट कितनी मैटर करती है। आई विश मैं आपको बता पाती कि रिया रणबीर के लिए क्या फील करती है, इसलिए वो अपने आप को रूम में बंद करके बैठी हुई है। प्राची, प्राची के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो रणबीर की वाइफ बन के चली गई। प्राची कहा था ना तुझसे, कोई ऐसा होना चाहिए जिसे कोई पहचानता ना हो। घूंघट ओढ़ के गई थी फिर? अरे इसने तो वही किया जो डिंपल को करना था, ये चली गई नकली वाइफ बन के। वो कहने लगी कि रणबीर मेरा पति है तो किसी और से शादी कैसे कर सकता है, और एक बार तो वो डर के मान भी गए थे। हाँ, और हमको लगा सब मान गए, और माया की माँ ने तो ये भी कह दिया था कि रणबीर से रिश्ता तोड़ दो। फिर क्या, डिंपल की तरह किस्मत ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। क्यों? अरे ये हमारे पास आखिरी मौका है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, अगर नहीं गए ना तो सगाई हो गई है ऐसे शादी भी हो जाएगी। अरे तू चलेगी तो अच्छा आइडिया मिल जाएगा, अभी चेहरा जाना पहचाना नहीं होना चाहिए था, ये भी तो तूने बोला था ना। अरे तू साथ में रहेगी तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, चल ना तू साथ में। मैं होली पे नहीं जाऊंगी। अरे पर क्यों नहीं? वो माँ होली नहीं खेलती। हाँ मैंने भी कभी मासी को होली खेलते नहीं देखा। पर क्यों? धमकी देता रहता है, पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकते, वो सब उसकी जेब में। याद रख, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद, पर अब आर पार की लड़ाई हुई। ये देखो, इस बंदे को दिन भर फोन किया लेकिन। अरे तो फोन उठाइए तो सही। हाँ बोल, मिल गई फुर्सत, आ गई हमारी याद, फैमिली मैन, मजाक उड़ा रहा है, जले पे नमक छिड़क रहा है। अरे सीफ, एंगेजमेंट हो गई मेरी,
और ये मुझे बच्चों के नाम बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्या चिंटू पिंटू? बच्चों के नाम पसंद नहीं आए, वो लड़की पसंद है तुझे? ये कैसी बातें कर रहा है तू? कौन कर रहा है? किसने स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट किया ना चिंटू पिंटू। अब शादी जैसी भी लड़की से हो, कम से कम बच्चे के नाम तो खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ। बच्चों के नाम चिंटू पिंटू नहीं होते, कुछ ऐसे ग्रैंड फादर होते, कुछ ऐसा जैसे बराक कोहली या डोनाल्ड कोहली। सदमा तो नहीं लग गया बच्चा तुझे? हाँ नहीं मतलब हम यहाँ तेरी एंगेजमेंट होने पर रो रहे हैं और तुम बच्चों के नाम सेलेक्ट कर रहे हो। एक बात मेरी कान खोल के सुन, वो लड़की अगर इस घर में आई ना तो मैं चली जाऊंगी, मैं भी। अरे आप लोग मुझे क्यों बोल रहे हो यार? जैसे मैं सही में दिल से शादी कर रहा हूँ उससे। इनको बोलो ना इन्होंने स्टार्ट किया कि चिंटू पिंटू घूमेंगे बच्चे। एक सांस में बोले जा रहा है रणबीर की फिक्र नहीं करता। अब वो सब छोड़, मुझे एक बात बता कि रणबीर की एंगेजमेंट हो गई माया से? हाँ। ठीक है तो एक काम कर, अपने सोकल संदी को ना होली के लिए घर पे बुला। हमें बुलाया है अपने यहाँ होली खेलने के लिए? नहीं 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 नहीं, उसे रिक्वेस्ट कर, फोर्स कर, जो करना है कर, लेकिन उसे घर पर बुला। फिर इस चौबे को ना मैं उसी की भाषा में समझाता हूँ, तभी समझ में आएगा उसे। ठीक है, और मैं होली के लिए घर पर पहुँचाऊंगा। आप होली खेलोगे? नहीं, मैं आऊँगा, चौबे से मिलूंगा, उससे बात करूँगा और बस। एनीवेज कॉल दैट चौबे, आई मीन कॉल द एंटायर फैमिली, और मैं तुम सबसे कल होली पे मिलूंगा। हुई मोहब्बत की बात पे सता रही है ये रात दिल, भीगा रही है इन आँखों को बेवक्त की है बरसात पे। लगाने दूंगी मुझ पे पहला रंग लगाने का हक किसी को है तो सिर्फ आपको है। होली का पहला रंग मैं ही तुम्हें लगाता था, तुम नहीं हो तो ना किसी को रंग लगाऊंगा ना लगाने दूंगा। मेरे लिए होली का मतलब सिर्फ तुम हो। मुड़ी की बात आप मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। कहा ना मैंने? मना किया ना मैंने? अरे मना किया मतलब आप फोन दीजिए मुझे। नहीं विक्रम, मुझे फोन दीजिए, मुझे बात करनी है। बाबा दो ना फोन, मम्मी को परेशान मत करो। दीदा बोलो अपने बेटे को समझाओ क्या कर रहे हो। और पल्लवी तुम अपने बेटे को समझाओ कि बीजी से ऐसे बात ना करो। मैं बात करूं क्या? मेरा जी अगर आप बात करोगी तो आप इतनी स्वीट हो ना कि वो चौबे अपने खानदान की सारी बेटियों की शादी अपने अपने खानदान के सारे बेटों से करा देगा। और आलिया तुम जरा आर्यन को संभाल के रखना, क्योंकि अगर नजर पड़ जाएगी ना चौबे की आर्यन पे तो वो जबरदस्ती शादी करा देगा। फोन लग गया। अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, छोटा सा एक फंक्शन भी हो जाएगा, फैमिली गेट टुगेदर। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो रिश्तेदारों का क्या है? वैसे भी हम लड़के वाले हैं, आप लड़की वाले हैं, आप नहीं चाहते तो हम नहीं मना करेंगे रिश्तेदारों को। हाँ उनका क्या है, 100 मुंह है, 100 बातें होंगी, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं समधन जी, भाई रिश्तेदारों के बिना शादी कैसी, आखिर उन्हें भी तो खुश रखना है ना। ठीक है रख लीजिए आप होली की पार्टी अपने, हम पहुँच जाएंगे। ठीक है थैंक यू, अपने यहाँ बुला रहे हैं होली की पार्टी। सॉल्व कर देगा, आप कुछ ना कुछ तरकीब ढूंढ निकालेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो आप घर प्लीज आइए ना। और हाँ वो जो माया के घर में पार्टी होने वाली थी ना वो नहीं हो रही, रणबीर का फोन आया था कि पार्टी अब उसके घर में है, तो वहाँ तो आप सबको जानती भी है और आप वहाँ गई हुई हैं तो आपको तो सब पता है, प्लीज एक बार। ठीक है चलूंगी लेकिन होली नहीं खेलूंगी। हाँ हाँ नो होली नो कलर्स, आपको पता है आप बेस्ट। मेरा बेटा एमएफ हुसैन बनता गया और आप लोग मजे लूटते गए, रोक नहीं सकते थे इसे।
तेरी तो तुझे मेरी तो रुक मेरे पैर के ऊपर चश्मे पहने दे मुझे छोड़ूंगा तुझे यार यार छोड़ अरे छोड़ यार मैंने ही थोड़ी लगाया कि अरे पापा होली है यार होली है अच्छा एक 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 चाचू मैंने अकेले लगाया आपको हाथ तीन कलर है इन दोनों के भी तो है इन दोनों ने भी तो आपके मुंह पे कॉकटेल बना दिया इनको बोलो ना कुछ अच्छा इन दोनों का खुराफाती दिमाग भी था तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा अरे मुझे नहीं छोड़ेगा और खोतिया कुत्ते तो मुझे ये ले दीदा 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 अरे नहीं दीदी दीदी मुझे नहीं विक्रम विक्रम अबे यार तू कैसे कैसे चैलेंज ले लेता है हां अबे होली है यार कोई रंगे बिना कैसे रह सकता है डूड ए मैं दिखाऊंगा देखो कैसे पिछला साल भूल गया क्या तेरे भाई ने होली पे सबको कलर किया था और मेरे को किसने किया था किसी ने नहीं एक इतना सा गुलाल और इतनी एक बूंद पानी की नहीं गिरी थी मेरे पे हाँ और इस साल भागता फिर रहा है भाई हाँ कब तक भागेगा कोई ना कोई लगा ही देगा यार तुम इतनी टेंशन मत ले तू देख तेरा भाई द लास्ट मैन स्टैंडिंग रहेगा और होली पे इतना सा कलर नहीं होगा और देखिए यार वैसे भी मॉम डैड नहीं लगा पाए बाहर का कोई लगा देगा क्या देखो मालूम है घर में बैठे बैठे ना बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है बाहर चल के चैलेंज तेरा कम्प्लीट कर तो मैं मानू अच्छा बाहर जाके चैलेंज बाहर चल चैलेंज कंप्लीट करता हूँ चल होली खेलने का मन तो नहीं कर रहा पर ऐसे घर वालों के साथ होली नहीं खेलूंगा तो बुरा मन जाएगा चल हैप्पी होली बोलते हैं चल हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली Happy Holi, हाँ एक दिन मुझे आप पे इतना ज्यादा गर्व होगा ना एक दिन आई फील सो प्राउड मुझे लगता है कि जब भी लोग आपसे मुझे कंपेयर करते हैं ना वो हमेशा क्या बोलते हैं कि रणवीर कोहली इज द बेस्ट तो हैप्पी बुलाएगा क्या होली के दिन रंग नहीं लगाएगा तो मेकअप लगाएगा क्यों क्यों कर रहे यार रंगीन होना तो बनता है करेक्ट तो आप दोनों क्यों खड़े हो गमगीन आप दोनों भी हो जाओ रंगीन पहले किसी ने गले मिलकर रंग लगा लिया गले मत मिलना रंग वंग लग जाएगा कलर कोई नहीं लगाएगा भाई जी बेटा ये मत समझना कि तुम मेरी नजर से हो जाओगे ओझल क्योंकि मेरी नजर अब भी तुम पे टिकी है मेरे बेटे अभी हैप्पी होली जी हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली जरा तो रंग नहीं लगाओगे नहीं बिल्कुल नहीं मुझे तो खेलना भी नहीं है मिस्टर मेहरा हैप्पी होली हैप्पी होली क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर किसी को समझ में नहीं क्यों रहा जब कहा कि नहीं खेलनी होली तो नहीं खेलनी होली सबको लगता है पार्टी में आया तो होली भी खेल लेगा बट नहीं खेलनी ना होली कौन निकाल कर चला गया आज तो हर बात पे प्रज्ञा की याद आएगी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने बात करना ही बंद कर दिया हमारे बीच बातचीत होती ना तो शायद आज वो यहां होती मतलब मैं यहां इमोशनली ब्लैकमेल करके ले आई वो आ नहीं रही थी नहीं अब ऐसे ही बोल रही है अपने प्यार को इमोशनल ब्लैकमेल बोल रही है मैं तो आने वाली थी रणवीर के लिए बहुत अच्छा लगा भाई थैंक्स फॉर कमिंग हैप्पी होली थैंक यू लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा होली का दिन है सब रंगे हुए हैं तुम ऐसे नीट एंड क्लीन नहीं 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 वो एक्चुअली रणवीर ने चैलेंज लिया है ना कि आज वो सबको रंग लगाएगा लेकिन इसके ऊपर रंग लगने नहीं देगा है ना एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा नाइस मैं मीरा जी से मिलकर आती हूं वो अंदर वो अंदर हैप्पी होली हर जगह मुझसे पाला नहीं पड़ा ना
इसलिए जीतते आ रहे। तो तुम ये कहना चाहती हो कि अगर तुम होगी तो तुम मुझे हरा दोगी, मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा? ये बता रहे हो या पूछ रहे हो? देखो जो भी है मुझे ना प्रोवोक मत करो, वरना तुम्हें और तुम्हारे इस चैलेंज को होली के रंग में रंग सकती हूँ। ओहो प्रोवोक मत करो, चाहो तुम्हें प्रोवोक कर दिया, क्या कर लूँ? किया प्रोवोक, लेट्स सी व्हाट यू गॉट। रणवीर क्या है ना, आखिरी बार अपना चेहरा देख लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अच्छा अच्छा देखते हैं। मेरी क्या फेस पे लिखा है क्या? आपको पता लग गया तो सबको पता लग गया। सबको नहीं समझ में आएगा, बस उन्हीं को समझ में आता है जिन मुझे समझ में आ जाता है, बस और किसी को नहीं समझ में आएगा। किसी को बताना मत। एनीवेज हैप्पी होली। हैप्पी होली। कहाँ है होली सफेदी की चमकार? ऐसे आप बाहर से आ रही, किसी ने रंग नहीं लगाया? आप वो जिनके साथ होली खेलती थी वो पास नहीं, उनके बिना सब रंग बेरंग लगते। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे लाइए लाइए संधि जी। जी हैप्पी होली, हैप्पी होली आपको भी। हैप्पी होली। रमाज जी नमस्ते। भाई कैसे हैं? थैंक यू आपको भी। हैप्पी होली, बहुत मुबारक हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। चेहरे पे तो सबके इतनी बड़ी बड़ी स्माइल है, पर अंदर क्या चल रहा किसी को नहीं पता। मेरा तो दम घुट रहा है। चूना लगा रही है, कलर क्या लगाएगी? क्यों डरा है? डरा तो तुमने दिया उससे, हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे? क्या किया तुमने, कैसे डंकी दी उसको? टक करके देखा मैंने। वैसे लगती नहीं हो ऐसे, पर नॉटी बहुत हो जाती हो तुम। होली के दिन थोड़ी नॉटी हो जाती है। और क्या क्या कर लेती हो होली के दिन? नहीं नहीं आई मीन माया को गिरते देख के बहुत मजा आया, तो ऐसा मजा और आने वाला है क्या? देखो ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था मेरा, पर मैं ऐसी हूँ, टेढ़ी लोगों के साथ ना टेढ़ी बन जाती हूँ। तेरी है पर मेरी है। Sounds like fun. लेकिन मेरे लाइफ में जो समन स्पेशल है वो आपके वाले से तो बिल्कुल ही अलग है। काम, कंपोज्ड, गंभीर। फेस्टिवल्स या होली पे देखना चाहिए उन्हें, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे किसी ने सजा दी हो, उससे मैं रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छे हैं आप, या कोई भी उन्हें पहली बार भी मिले ना, no one can stay away from him. मिलते ही उनसे बहुत प्यार हो जाता है। I am sure. लेकिन मेरे वाले बिल्कुल अलग हैं। हमेशा शरारत, हमेशा बदमाशी, और बातें करना बहुत अच्छा लगता है उन्हें, चाहे कोई भी ओकेजन हो, देखते नहीं कौन सा ओकेजन। बिल्कुल बच्चों की तरह। सरिता बेन अब देखिए ना, समधी लोग हैं, बंदूक की नोक पे रखते हैं हमें। कहती हैं कि इनको एलर्जी है, पर रंग लगा दिया था इनके जो पति हैं वो। अच्छा होली है। ये क्या किया सरिता बहन? वो होली खेली और क्या किया। अरे अब
उनको कुछ हो गया तो वो उनके पति ना हो चौबे जी। कुछ नहीं, सब लोग झूठ बोलते हैं कि वो रंग से मेरे को एलर्जी है। दरअसल वो सब लोग आलसी होते हैं, होली के बाद नहाना नहीं चाहते दूसरी तीसरी बार। ऐसा क्या, तब तो बहुत अच्छा किया आपने। सही कह रहे हैं, मुझे ना होली खेलना पसंद नहीं है, लेकिन अभी आप ही खेलिए। अरे वाह, ये तो बड़ा रही है। मैं कह रही हूँ ना, वो कन्फेस करेगी। आइडिया बताइए आप क्या करना है। उसे भांग वाली ठंडाई पिला दो। आई नो कि गलत है, लेकिन तुम लोग अगर ये गलत नहीं करोगे तो वो बहुत कुछ बड़ा गलत करेगी। रणबीर तुम प्लीज प्राची से प्यार से बात करो, लड़ो मत, है ना? मैं नहीं लड़ता हूँ, ये लड़ती है मुझसे। आए सुए लड़ती है तो तुम प्यार से बात करो ना। एनीवे, नशे में इंसान सच ही बोलता है। तुम लोग नशे की हालत में उसे सारा सच उगलवा लो, और प्राची तू उसे अपने फोन पे रिकॉर्ड कर ले, और जो करना है प्लीज आज करो, ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, लेट्स गो। ध्यान रखना। मुझे नहीं पता था कि वोडका, विस्की, बियर, रम के अलावा गंगा जल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है आपको। हंस क्यों रहे हो? हंस नहीं रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि माए को क्या पिलाना है। तो क्या सोचा? मैं सोच रहा हूँ कि डैड के रूम में लेके जाता हूँ। डैड के रूम में ना कुछ ऐसा होगा, और मेरे वहाँ जाने से पहले तुम वहाँ पहुँच जाना, ठीक है? क्योंकि जब वो कन्फेस करेगी, तुम वीडियो बनाओगी ना, तो वहाँ बैठ के अच्छे से वीडियो बनाना। डू गुड। अब तुम क्यों हंस रही हो यार? तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम आगे घुमाने लग जाती हो अपनी आंख। इसलिए घुमा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या बोल रही हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? जाओ जल्दी से उस माया को लेके आओ, हम वीडियो बनाते हैं, फिर देखते क्या होता है। नहीं नहीं, कन्फेशन मिल जाएगा, पहले मुझे बताओ तुम मुस्कुरा क्यों रही थी। मैं पागल हूँ, बात बात पे मुस्कुराती हूँ, मिल गया। नहीं लगा, मेरा फेवरेट कलर आपको पता है येलो है। पर नहीं नहीं, मैं आपको ये कलर नहीं लगाऊंगा, आपको कलर लगाएंगे हमारे चौबे जी, ठीक है? आपको कब से ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, देखिए कब से। मुझे पता था वो वहाँ खड़े हैं, मैं आती हूँ अभी। जी क्या बात है, आज तुम होली सिर्फ मम्मी के साथ मनाओगी या फिर कोई और प्लान भी है? क्यों, अभी याद आ रही है तुम्हें मेरी? नहीं, मुझे याद तो बहुत पहले आ गई थी, पर मैं बात अभी करने आया। बट मैं सिर्फ बात करने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ दिखाने आया। आज होली स्पेशल है, तो आई वांट टू शो यू समथिंग, कम विद मी। कम ले नहीं रहना चाहिए, होली में आए हो तो बेरंग नहीं रहना चाहिए। मगर तू तो सब में भी रहकर मतलब बेरंग होली खेलती नहीं है, और ये सब कई सालों से कर रही है, क्यों? नहीं खेलती तो बस नहीं खेलती। कहीं इसलिए तो नहीं कि तुझे सिर्फ अपने पति के साथ होली खेलनी है और वो यहाँ है नहीं? बॉटल में उतना अल्कोहल है जितने में काम हो जाएगा। इसके अंदर जाते ही माया की पूरी रिपोर्ट बाहर आ जाएगी। रणबीर मुझे अपने बेडरूम में बुला रहा है, देखा वो कितना डेस्परेट है मुझे लेके। अब बेटर यही होगा कि तुम ना उम्मीद रखना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे कोई चांस नहीं है, और अब से